Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum nazreen. Welcome back to my channel Aisha Health with Beauty. तो दोस्तों कैसे हैं आप, कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। आज मैं आपको हड्डियां मजबूत करने और यूरिक एसिड का मुस्तकिल इलाज बताऊंगी। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आपका जोड़ जोड़ मजबूत होगा, बल्कि अगर आपको यूरिक एसिड की वजह से जोड़ों में दर्द है तो वो भी हमेशा के लिए खत्म होगा। यूरिक एसिड एक ऐसी बीमारी है जो अंदर से आपको खोखला कर देती है और आपका जोर जोर दुखने लगता है। शुरुआत में तो ये दर्द बहुत कम होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इतनी शिद्दत इख्तियार कर लेता है कि इंसान चलने फिरने से भी कासिर हो जाता है। तो आज आपको जो देसी नुस्खा बता रही हूँ वो आपकी इस बीमारी को मुकम्मल तौर पर खत्म करेगा और आपका जोर जोर मजबूत बनाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपकी दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो सबसे पहले आपने फेनल सीड्स पाउडर लेना है, यानी पिसी हुई सौंफ। घर में ही सौंफ को आप पीस कर पाउडर बना लें। इसका आपने एक चम्मच लेना है। अब जो चीज आपने लेनी है वो है लिकोराइस पाउडर, यानी मुलेठी पाउडर। ये आपको हर्बल स्टोर से मिल जाएगा, आप चाहें तो इसको साबुत लेकर भी घर में पी सकते हैं। इसका आपने एक चम्मच लेना है। अब जो चीज आपने लेनी है वो है सना मक्की। हर्बल स्टोर से ये पत्तों की शक्ल में आपको मिलेगी, इसको भी पीस कर आप पाउडर बना लेंगे। लेकिन सिर्फ इसके पत्तों का आप पाउडर बनाएंगे, इसमें ऐसी डंडियां भी होंगी वो आपको निकाल देनी है। इसका आपने एक चम्मच लेना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें। अच्छा, मैंने ये थोड़ी सी मिकदार में बनाया है, आप चाहें तो इसे ज्यादा मिकदार में भी बना सकते हैं। बस सब चीजों को बराबर मिकदार में ही लीजिएगा। मिक्स होने के बाद ये कुछ इस तरह का होगा। इसका आपने बस आधा चम्मच खाना खाने के आधे घंटे बाद खाना है, चाहे तो आप इसे पानी से भी निगल सकते हैं। दिन में दो बार आप इसे खाएंगे, एक बार सुबह नाश्ते के बाद और एक बार रात खाने के बाद। 15 दिन तक रोजाना आप इसे इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह 15 ही दिन में आपके जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा, आपका यूरिक एसिड लेवल पर आ जाएगा और आप एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने लगेंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। चलें अब इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।